प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अयोध्या के विकास को लेकर 2 हफ्ते पहले एक भव्य योजना पेश की गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी से इसमें एम्बुलेंट और स्मार्ट शहर के आधुनिक पहलुओं और ऐतिहासिक मिशन के साथ में अयोध्या की महिमा की दोबारा स्थापित करने की कल्पना की गई है। ऐसा शहर जो टाउन आधुनिक और प्रकृति के नियमों की पालना करेगा। इस दौरान शहर के कई घाटों, झीलों समेत कई स्थलों का विकास किया जाएगा। पीएम मोदी के सामने रखे गए इस प्लान में पीपीपी मोड में रामायण आध्यात्मिक वन शामिल है, जिसके जरिए भगवान राम के 14 साल के वनवास की कहानियों को दिखाया जाएगा। साथ ही अयोध्या के आसपास 65 किलोमीटर लंबे रिंग रोड और दिल्ली के चाणक्यपुरी की तर्ज पर 1200 एकड़ में राज्य और विदेश भवनों के साथ में एक वैदिक टाउनशिप जैसी बड़ी योजना का भी जिक्र है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई प्रेजेंटेशन के अनुसार अयोध्या को सनातन परंपराओं के हिसाब से विश्व मंच पर प्रमुख आध्यात्मिक, धार्मिक और पर्यटक स्थल साथ ही शहर को बनाने का भी सपना है। एक आत्मनिर्भर आधुनिक पर्यटन स्थल जो कि प्रदूषण से मुक्त हो, गंदगी ना हो और स्वस्थ मिट्टी, पानी, हवा के साथ से जल से भरपूर हो। सरकार की तरफ से पेश की गई इस प्रेजेंटेशन में थीम अतीत की भव्यता, वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की तैयारी थी। इसमें अयोध्या की प्राकृतिक सद्बुद्धि एवं स्मृति की सप्तपुरियों के प्रमुख के तौर पर स्थापित करने, दुनिया का पहला स्मार्ट वैदिक शहर की बात पर जोर दिया गया था।